नाजरीन 1933 में शाह अब्दुल अजीज ने कैलिफोर्निया पेट्रोलियम कंपनी के साथ तेल निकालने का मुआहदा किया। इब्तदाई चंद बरस जदोजहद में बसर हुए, मगर सन 1938 में जब कैलिफोर्निया पेट्रोलियम कंपनी के माहरीन नाकाम होकर मुल्क लौटने ही वाले थे कि अचानक एक कुएं से खजाना उबल पड़ा और इतना तेल निकला कि जिस पर वो माहरीन खुद भी दंग रह गए। अब तारीख का एक नया दौर शुरू हुआ। ये वाकया ना सिर्फ सऊदी हुक्मरानों और कैलिफोर्निया कंपनी के लिए हैरान कन था, बल्कि पूरे जजीरा नुमा अरब के लिए एक मौजदा था। तेल की दरियाफ्त ने सऊदी अरब को मुआशी तौर पर ज़बरदस्त इस्तेहकाम बख्शा और ममलिकत में खुशहाली का दौर दौरा हो गया। 9 नवंबर 1953 को शाह अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुर्रहमान आल सऊद वफात पा गए, तो शाह अब्दुल अजीज़ ने अपने दौरे हुक्मरानी में जहां सऊदी अरब को दुनिया की एक अजीम ताकत में तब्दील किया, वहीं मजहबी एतबार से बाज़ ऐसे इकदाम भी किए जिनसे आलम इस्लाम के एक बड़े हिस्से में बेचैनी फैली। उन्होंने अपनी रियासत को शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के अकायद की रोशनी में तश्कील दिया और बिदआत का खात्मा किया। उन्हीं के दौर में मदीना मुनवरा में मौजूद आलम इस्लाम के अजीम कब्रिस्तान जन्नतुल बकी का इन्हदाम भी अमल में आया। नाज़रीन, ये थी आज की हमारी एक छोटी सी तारीख। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।